अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक सिक्स का यूनिट नंबर फोर करेंगे, द वाइल्ड नेचर, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे द फायर ऑफ पैरा 1870। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिएगा। ये आग जो है वो टर्की में लगी थी। टर्की कंट्री है, वहाँ पर एक सिटी है जिसका नाम इस्तांबुल है, और इस्तांबुल को पहले कॉन्स्टेंटिनोपोल यानी कुस्तनतुनिया कहा जाता था। वहाँ पर एक इलाका है यानी डिस्ट्रिक्ट है जो जिसका नाम क्या है, पैरा। वहाँ पर क्या लग गई थी, उस पैरा यानी उस इलाके में बहुत ख़तरनाक किस्म की आग लग गई थी, ठीक है। और ये इतनी तेज़ी से फैली थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लकड़ी से बने हुए घर मौजूद थे। उस शहर में क्या थे, बहुत ज़्यादा लकड़ी से बने हुए घर मौजूद थे। जो लास्ट प्रॉपर्टी वहाँ पर तबाह हुई थी वो किसकी थी, ब्रिटिश एम्बेसी की थी। टर्की के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग रह रहे थे, ठीक है। तो वो जगह कौन सी कहलाएगी जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग ऑफिशियल्स रह रहे थे, वो ब्रिटिश एम्बेसी कहलाएगी। और वहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा था, जो बंदा था, उसको हम क्या कहेंगे, ब्रिटिश एम्बेसडर कहेंगे। इस टेक्स्ट के अंदर ब्रिटिश एम्बेसडर बता रहा है, जो कि अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर एम्बेसी में रह रहा था, वो किसके बारे में डिटेल दे रहा है, वो उस आग के बारे में बता रहा है जो कि 6 जून 1870 को लगी थी। पैराग्राफ नंबर वन में बात हो रही है कि हम अपना लंच कर रहे थे, तब मुझे रिपोर्ट मिलती है कि आग जो है वो ब्रोकन आउट यानी स्टार्ट हो चुकी है। सबरब, सबरब कहते हैं शहर से थोड़ा दूर इलाका जो सेटलमेंट होती है उसको सबरब कहा जाता है। तो वो जब नाश्ता कर रहा था, तो उसे लंच कर रहा था, तो उसे क्या मिलती है, खबर मिलती है। लंच यानी दोपहर का खाना खा रहा था, तो उसे खबर मिलती है कि जो है वो आग जो है ब्रोकन आउट यानी स्टार्ट हो चुकी है। और वो आग जो है उसकी एम्बेसी से कितनी दूर थी, जस्ट हाफ अ माइल दूर थी। वो देखता है तो उसे क्या नज़र आता है कि हवा जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही थी, क्योंकि लकड़ी से बनी हुई बिल्डिंग्स थी उनकी और आग के दरमियान। आग और उनके दरमियान किसका फासला था, क्या नज़र आ रहा था उसे, लकड़ी से बनी हुई बिल्डिंग्स नज़र आ रही थी। तो वो ऑर्डर देता है कि आयरन विंडो शटर्स को बंद कर दिया जाए, जो खिड़की के आसपास शटर्स हैं उन सबको बंद कर दिया जाए। और वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को कहता है कि वो पानी से टब्स को जो है वो बाथ टब्स को क्या करें, भर दें। पैराग्राफ नंबर टू में बात हो रही है कि हम देख रहे थे कि आग के शोले जो है बहुत तेज़ी से बन रहे थे, और ये लकड़ी कौन सी थी, ये लकड़ी से बने हुए जो घर थे उनमें ज़्यादा तेज़ी से आग फैलती जा रही थी, जो कि उनकी छतों तक पहुंच चुकी थी, और उनकी छतों से फिर दूसरी जगह लगना स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। आग जो है वो क्या हो रही थी, घरों में लग रही थी, घरों से वो, क्योंकि वो लकड़ी से बने हुए घर थे इसलिए वहाँ तेज़ी से आग लग रही थी, और फिर वो छत पर चली जाती थी आग पहुँचते पहुँचते, और फिर वो दूसरी जगह लग जाती थी यानी दूसरी घरों में लग रही थी। रेजिडेंट्स वर ट्रैप, जो वहाँ के जो रहने वाले थे वो कैद हो चुके थे, वो फंस चुके थे इस आग के दरमियान, और उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा था, नो एस्केप, यानी वो वहाँ से बचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बच नहीं पा रहे थे, क्योंकि आग जो है बहुत तेज़ी से फैल रही थी, क्योंकि हवा जो थी वो एक तूफ़ानी शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। हवा इतनी तेज़ थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आया हो, और इस तेज़ हवा की वजह से जो है वो आग के शोले बहुत तेज़ी से पहुँच गए कहाँ पर, एम्बेसी के, एम्बेसी पे में भी जो है वो आग पहुंच चुकी थी। और जो ग्लास थी विंडोज़ की वो क्या थी, वो भी जल जल के गर्म होकर क्या हो गई थी, बिल्कुल रेड हो गई थी आग की वजह से। जो ग्लास थे आयरन विंडोज़ के वो भी क्या हो गए थे, रेड हो गए थे। द रूफ वॉज सून अब्लेज, अब जो छत है वो भी जल्दी ही वहाँ पर अब्लेज यानी वो भी जल्दी से जलने लग गई फिर। एंड आई फोर्स माई वाइफ एंड डॉटर टू लीव, द मोल्टन लीड वॉज पोरिंग डाउन टू ऑफ द थ्री स्टेयर केसेस। अब जो सीढ़ियाँ थी, सीढ़ी के तीन हिस्से थे, तो दो हिस्सों में आग लग गई थी, और जो सीढ़ियाँ थी वो किससे बनी हुई थी, लीड से बनी हुई थी, तो वो भी पिघल चुके थे। तीन में से दो जो है स्टेयर केसेस वो क्या थे, वो पिघल चुके थे। और ये लोग थर्ड पे भागते भागते तीसरे पे तो पहुँच गए थे, और फिर वहाँ से भागते हुए वो गार्डन में निकल गए थे। पैराग्राफ नंबर थ्री में बात हो रही है कीमती चीज़ें, प्रेशियस यानी कीमती आइटम्स, जिसमें फर्नीचर, बुक्स और पिक्चर्स वगैरह थी, वो तो उन्होंने सेफली निकाल ली थी, लेकिन ज़्यादातर उनमें से क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी। और कुछ जो है वो चुरा ली थी, वो किसने चुरा ली थी, टर्किश सेमेट्री, सेमेट्री कहते हैं जो जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है ना, उसको सेमेट्री कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो चोर थे वो जो है वो कीमती चीज़ें जो है वो चुरा के भाग रहे थे। वी कुड सी पुअर होमलेस, हमने देखा कि जो बेघर लोग जो है वो दरख्तों के नीचे बैठे हुए हैं, उनके हाथ में बंडल्स हैं जिसमें उनका सामान था, और वो चाहते थे कि जो कुछ वो बचा के ला सकते थे अपने घरों से वो ले आए थे। हम देख रहे थे कि जो जहाँ पे हॉर्स थे स्टेबल में यानी जहाँ पे वो रह रहे थे हॉर्सेस, वो भी बहुत जो है वो हाइपर हो रहे थे, गुस्से में हो रहे थे और अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे, क्योंकि आग तेज़ी से उनकी तरफ भी बढ़ रही थी। लेकिन उनमें एक ग्रे हॉर्स था जो कि इन सबको काम कर रहा था, और इन सारे हॉर्सेस को बाहर निकालने में उनकी मदद कर रहा था।
पैराग्राफ नंबर 4 में बात हो रही है, क्योंकि फायर जो थी वो एक टेरेबल ट्रेजेडी थी, एक किस्सा बन चुकी थी, एक खौफनाक किस्सा हमारे लिए थी, एक मसला बन चुकी थी। ऑल तो लास्टेड ओनली अबाउट 12 आवर्स, और ये आग कितनी देर तक चली थी, 12 घंटों तक चली थी। ये इतनी तेज़ी से फैली थी। एंड फेरोसिटी कहते हैं, फेरोसिटी जो है वो कहते हैं ब्रूटली को, यानी बहुत सख्त थी, कि इसकी वजह से बहुत हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है वो मर गए थे, इनमें से ज़्यादा मैनी वर्स ट्रैप्ड बाय द फायर, और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो फंस गए थे फायर में, एज ए सराउंड स्प्रेड टू द सराउंडिंग हाउसेज, क्योंकि आसपास के घरों में भी वो आग जल चुकी थी। अदर थॉट्स दैट दे वुड बी सेफ इन स्टोन हाउसेज, कुछ सोच रहे थे कि हमारे घर तो पत्थरों के बने हुए तो हमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन वो भी जो है आग की वजह से जल गए थे, और बहुत ज़्यादा चोर भी मर गए थे इस आग में, क्योंकि वो लोग जो है वो जलते हुए घरों में से कीमती सामान चुराने के लिए गए थे, तो आग ने उन्हें भी अपनी लपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से वो भी मर गए थे। पैराग्राफ नंबर 5 में बात हो रही है, एक वुमेन को रेस्क्यू कर लिया गया था, बचा लिया गया था, जिसके हाथ में बंडल्स है, ठीक है, और वो सोच रही थी कि इसके हाथ में उसका बेबी है, लेकिन उसके हाथ में उसका बेबी नहीं था, बल्कि वो घर में जो कीमती सामान था वो उसके हाथ में था, और वो जो है आप उसकी अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसके डिप्रेशन का या उसकी दुख का, कि उसने क्या किया था उस औरत के पास, जो एक हाथ में उसके बेबी था और एक हाथ में जब वो घर से निकली तो फैमिली सिल्वर था, यानी बंडल्स था, कीमती सामान था, और वो कीमती सामान वो फेंकने गई थी कुएं के अंदर ताकि कोई उससे चुरा नहीं ले, तो बाय मिस्टेक उसने क्या किया था, होम सिल्वर्स ने नहीं फेंका कुएं में, उसने बाय मिस्टेक अपने बच्चे को फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो शॉक में थी, और जो ये वैल्यूएबल्स उसके हाथ में रह गया था, ऑल्दो उसको जो कीमती चीज़ें थी वो फेंकनी थी कुएं के अंदर, अपनी बच्ची उसके हाथ में होनी चाहिए थी, लेकिन बाय मिस्टेक उसने अपनी बच्ची को ही अपने हाथों से कुएं के अंदर फेंक दिया था। वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कांडी लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।